हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट, ये टॉपिक मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, सो दैट कि यहाँ पे थोड़ा जो लेवल है वो ट्वेल्थ से थोड़ा हाई रहेगा। सो प्लीज़ आप ट्वेल्थ लेवल के जो बेसिक कंसेप्ट वो एक बार समझ लें, क्योंकि उससे थोड़ा सा आगे चलेगा। बिकॉज वो कंसेप्ट मैं वापस लेके चलूँगा तो बहुत ज़्यादा कंटेंट मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। सो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें। सो यहाँ पे जो मैं आपको सबसे पहले आज तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है इसके अंदर मैं क्या क्या कंटेंट कवर करने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आता है कोई भी इवेंट की जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वहाँ पर सैम्पल स्पेस का कंसेप्ट आता है ना। उसके बाद हम बात करेंगे इवेंट की हर, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, एडिशन थ्योरम क्या होती है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेस्ट थ्योरम पे कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है रैंडम वेरिएबल। सो रैंडम वेरिएबल यहाँ दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि रैंडम वेरिएबल ये यहाँ से पूरी स्टेट प्रोबेबिलिटी की जो पूरी कहानी स्टार्ट होती है। सो देखिए यहाँ पे दो टाइप के रैंडम वेरिएबल, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, राइट। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, लाइक अगर मैं आपके सामने एग्जांपल दूं कि कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी, लाइक मैं कॉइन को टॉस करता हूं, है ना, एक कॉइन को टॉस किया तो उसका जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है, हेड और टेल होता है। अगर मैंने एक कॉइन को दो बार टॉस किया तो उसका जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल होता है ना, ये इसका सैंपल स्पेस होता है। अगर मैं इसके यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं तो एक्स को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ हेड को, है ना, और ये इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी है, तो नंबर ऑफ हेड कितनी बार आ रहा है, जीरो बार आ रहा है, फिर वन बार आ रहा है, फिर टू बार आ रहा है, ठीक है। अब जीरो बार हेड आ रहा है तो जीरो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, एक ही केस ऐसा है जो जीरो बार हेड आ रहा है, तो यहाँ पे चार में से एक केस ऐसा हो रहा है, सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी। वन बार हेड इन दो केस में आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, टू बार हेड एक केस में आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जीरो आने की, लाइक अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, ये एक्स एक्सिस है, लाइक ये मैं डिनोट करता हूँ एक्स और ये मैं डिनोट करता हूँ प्रोबेबिलिटी को, है ना, ये मेरा नंबर जीरो है, ये नंबर वन है, ये नंबर टू है, लाइक मियाँ जीरो चलो यहाँ से ले लीजिए ना, जीरो ये वन है, ये टू है, ठीक है। अब जब जीरो है तब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, मैं इसको 1/4 मान लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ 2/4, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली है ना, देन 2 पे इसकी वैल्यू किसकी, अगेन वापस 1/4, है ना। तो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू है वो ये रह गई, है ना। अब यहाँ देखिए इसके बीच की जो वैल्यू, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 0.5 बार हेड है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो हमें पता नहीं है, तो जीरो पे हमें पता है, वन पे पता है, टू पे पता है, पर हमें इसके बीच की वैल्यू पता नहीं है। सो इस टाइप की जो रैंडम वेरिएबल होता है एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट, जब एक्स बहुत बड़ा हो, लाइक है ना सैंपल स्पेस बहुत बड़ा होता है, तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं वहां पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का कांसेप्ट, लाइक मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर लगभग 1000 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि इन 1000 स्टूडेंट्स का जो वेट है वो 50 और 60 के बीच में हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो आप जब सैंपल स्पेस बनाओगे तो 50 से 60 में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो हर पॉइंट को कवर करेंगे, लाइक 50, 50.1, 50.2, है ना, बहुत सारे, और अगर लाख में स्टूडेंट है तो हर पॉइंट को वो कवर करेगा, है ना। तो जितना बड़ा सैंपल स्पेस होगा उतने ही वो बीच के सभी पॉइंट, लाइक 50 से मैं बोल रहा हूं 60, तो 50 से 60 में अगर हम बात करेंगे, लाइक यहाँ पे मैं स्टूडेंट ले रहा हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ 50 और यहाँ ले रहा हूँ 60, तो इनके बीच में लाइक मैं अगर ग्राफ खींचूँ तो इस टाइप से हर पॉइंट को ये क्या करेगा, कवर करेगा। तो इस टाइप का जो होता है सैंपल स्पेस, जहाँ पे बहुत सारे एक्स के बहुत छोटे 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 क्या होंगे, नंबर होंगे, उस नंबर पे पॉइंट को कवर करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। या फिर एक और बात बोलता हूँ कि एक सिटी है जो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, और वहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लॉट की बात करें तो प्लॉट का जो रेट होता है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक हर पॉइंट को वो कवर करेगा, लाइक वहाँ पे वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, और डिस्क्रीट नहीं, ऐसा नहीं कि भाई साहब ये 1 लाख का है तो अगला जो हो 1,05,000 का होगा, फिर दूसरा 1,10,000 का हो, ऐसा नहीं है, हर पॉइंट कुछ भी हो, 1,01,000, 1 रुपये भी हो सकता है, ठीक है। तो हर पॉइंट को वो कवर करता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, अब यहाँ पे जो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ये, इसको हम बोलते हैं PX, और ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, है ना, क्योंकि इसको हम PX से डिनोट करते हैं, और PMF बोलते हैं इसको, है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। PMF की प्रॉपर्टी क्या होती है कि PX 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, और समेशन PX की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, है ना। देखो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। अब यहाँ पे उसी चीज को हम FX से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं PDF, दैट इज प्रोबेबिलिटी
डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज पी डी एफ, यहाँ फर्स्ट ये दो कंडीशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। देखो जब डिस्क्रीट होता है तब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन समेशन यूज करते हैं, और जब डिस्क्रीट होता है तब हम क्या करते हैं कंटिन्यूस होता है तब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो, और जीरो से बड़ा होना चाहिए। देन माइनस एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, वन के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है प्रोबेबिलिटी, ये हमारा पीडीएफ होता है। अब बात आती है मीन की, है ना। अब ये मैं बताऊंगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, इसको डिनोट करते हैं ई एक्स से। अब ई एक्स के दो फार्मूले होते हैं, लाइक अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे होता है समेशन एक्स पी एक्स, और अगर यहाँ बात करें हम डिस्क्रिट में तो इसकी जो वैल्यू होती है मीन की वो क्या होती है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है ना। तो जब डिस्क्रीट होता है तब हम समेशन यूज करते हैं, जब कंटिन्यूस होता है तब इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आता है ना, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है बाइनोमियल और एक होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज आते हैं वो होता है एक्सपोनेंशियल, देन उसके बाद नॉर्मल, देन उसके बाद यूनिफॉर्म। नॉर्मल ये हम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, देन इसका जो पीजीएफ होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, लाइक एरिया प्रॉपर्टी पे वो हम डिस्कस करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एक टॉपिक और है दैट इज मोमेंट्स, तो मोमेंट्स निकालने के लिए क्वेश्चंस आता है। यहाँ तीन टाइप के मोमेंट्स होते हैं, एक होता है मोमेंट अबाउट मीन, एक होता है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, एक होता है मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट। फिर उसके बाद स्क्यूनेस और कूटोसिस का एक कंसेप्ट आता है, जहाँ पे कोई भी जो इवेंट होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में हम बात करते हैं कि जो डेटा है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, वो पॉजिटिवली सिमेट्रिक है या नेगेटिवली सिमेट्रिक है, है ना, या सिमेट्रिक है, या फिर कभी स्क्यूनेस की बात आती है, कूटोसिस की बात आती है, मतलब वहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड की बात करते हैं। देन कूटोसिस में बात आता है, वहाँ पे तीन टाइप के कंसेप्ट होते हैं, लाइक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है उसके ऊपर है वो नीचे, तो लाइक यहाँ प्लेटिकुटिक आता है, मेसोकुटिक आता है और लेप्टोकुटिक आता है। ये सब कंसेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे कोरिलेशन रिग्रेशन का कंसेप्ट भी पूछा जाता है स्टूडेंट से, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब टॉपिक आगे, और आगे फिर टेस्ट भी है तो वो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा स्टूडेंट। सो ये जो ओवरव्यू है ये मैंने आपको लिया है। देन अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है, कितने टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है, फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी होते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और ये सभी कंटेंट मैं कवर करने वाला हूँ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।